तो गाइस यार आज मैं आपको दिखाऊंगा एक बहुत ही कमाल की केमिकल ट्रिक जो कि किसी जादू से एक कम नहीं है, वो भी असली जादू। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को पूरी जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे तो खून में ही टाइटेनियम है, आप ऐसा कुछ भी घर पे करने की कोशिश मत कीजिएगा। गाइस यार ये जो केमिकल ट्रिक है ये इतनी ज्यादा उस समय की इसे पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत ही खास केमिकल रिएक्शंस के अंदर जाना जाता है। तो इसके लिए हमें जो है कुछ केमिकल्स की जरूरत पड़ेगी। तो गाइस पहले हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी स्टार्च की, स्टार्च के बाद में हमें जरूरत पड़ेगी पोटेशियम आयोडाइड की और सिंपली सोडियम थायोसल्फेट। तो ये वाला ग्रुप अलग हो गया और एक दूसरे ग्रुप के अंदर हमें सिंपली जरूरत पड़ेगी सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की और हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी H2O2 और साथ ही साथ थोड़े से पानी के। तो हम क्या करेंगे सिंपली दो खाली बीकर लेंगे और इस वाले बीकर के अंदर हम सबसे पहले डालेंगे स्टार्च। बस इतना स्टार्च काफी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे पोटेशियम आयोडाइड थोड़ी सी मात्रा के अंदर। बस इतना काफी है। और अब इसके अंदर हम डालेंगे सोडियम थायोसल्फेट। ध्यान से देखना गाइस, वीडियो को स्किप मत करना ताकि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। इतना सा सोडियम थायोसल्फेट काफी है। एक पैलेट और डाल देते हैं, बस इतना काफी है। तो ये बन गया हमारा सॉल्यूशन ए। हमें दो सॉल्यूशन बनाने होंगे तो पहला वाला तो ये बन गया। इसके अंदर हम बन पानी डाल देते हैं और सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा हिला देते हैं ताकि सारी चीजें अच्छे से डिसॉल्व हो जाए। ऑलराइट, अब इसे रख देते हैं साइड में। इन केमिकल्स को भी हटा देते हैं यहां से और बनाते हैं सॉल्यूशन बी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली थोड़ा सा पानी लेंगे खाली बीकर के अंदर और इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड। गाइस एक बात हमेशा याद रखना, केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाता है ना कि एसिड के अंदर पानी को। यहां पर अगर एसिड होता और यहां पर पानी होता तो ये जो चीज है ये काफी गलत होती। इसीलिए हमेशा पानी के अंदर एसिड को मिलाया जाता है, एसिड के अंदर पानी को नहीं। आप सोचेंगे दोनों एक ही चीज है लेकिन एक चीज नहीं है। थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर डाल देते हैं, बस इतना काफी है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे थोड़ी सी मात्रा के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बस इतनी काफी है। ऑलराइट गाइस, तो हमारे पास है यहां पर सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। ऑलराइट गाइस, तो अब देखना मैजिक। इसे रख देते हैं हम साइड में और आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर दो कलरलेस सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। तो अब ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। देखना देखा गाइस, इसे कहते हैं असली मैजिक, एक रियल और अमेजिंग साइंस ट्रिक, एक केमिकल ट्रिक। तो गाइस इसे जो है और भी अच्छे से परफॉर्म किया जा सकता है। मैंने सिंपली आपको वीडियो में इस केमिकल रिएक्शन को दिखाने के लिए जो चीजें हैं उनकी बराबर क्वांटिटी का यूज नहीं किया, वरना इसे और भी ज्यादा अच्छे से किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इसमें ना कोई ट्रिक का यूज किया गया है ना ही कोई कैमरा एडिटिंग का यूज किया गया है और आप देख सकते हैं कि ये कितने कमाल के तरीके से कलर चेंज हो गया। तो गाइस इस जो केमिकल रिएक्शन है इसे कहा जाता है आयोडाइन क्लॉक रिएक्शन। और गाइस इसे जो है हम और भी काफी तरीकों से परफॉर्म कर सकते हैं। और गाइस यार ये सच में बहुत ही कमाल की रिएक्शन है।
यार आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी जरूर लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये थी आयोडीन का रिएक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।